दमोह में अतिवृष्टि से खेतों में खड़ी किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और खराब हुई फसलों का सर्वे कर किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विपक्ष में थे तब उन्होंने 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की थी। अब शिवराज सिंह चौहान खुद मुख्यमंत्री हैं और उन्हें किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करना चाहिए। वर्षा के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, किसानों को मुआवजा बहुत जल्दी से जल्दी मिलेगा। कमलनाथ जी द्वारा कांग्रेस ने जो वचन दिए थे कि 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, उसके पूरे नियम बने थे। प्रथम चरण में 50,000 तक के कर्ज माफ हुए थे, द्वितीय चरण में 1 लाख तक के होना था और तृतीय चरण में 1 लाख 2 लाख तक के हो रहा थे। लेकिन मार्च में ही सरकार गिर गई और मार्च में बजट में प्रावधान रखा गया था कि यदि हम सत्ता में रहते बजट पास होता तो 2 लाख तक के किसानों के कर्ज।